नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं और आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने एक ही फ़ोन के अंदर दो ऐप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो दो व्हाट्सएप हो, दो फेसबुक हो, दो पेटीएम हो, दो यूट्यूब हो, मतलब इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन आप दो यूज़ कर सकते हैं अपने सेम फ़ोन के अंदर। दोस्तों, आज हम डबल सिम वाले फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन व्हाट्सएप हम एक ही सिम पर चलाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये डबल एप्लीकेशन के बारे में पता भी होगा, दो दो एप्लीकेशन आप यूज़ करते भी होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर हम यही जानकारी देंगे कि किस तरह आप अपने फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप एक ही टाइम पर चला सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा एक व्हाट्सएप और यहाँ पर देखिए आपको दूसरा व्हाट्सएप दिख रहा होगा। इसी तरह से आप दो फेसबुक चला सकते हैं, दो इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको आप दो दो करके चला सकते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर दो सिम है तो आप दोनों सिम पर अलग अलग व्हाट्सएप चला सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई पर्सनल नंबर है तो आप पर्सनल से आप किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, तो इस तरह आप दूसरे नंबर को आम लोगों के लिए रखना चाहते होंगे। और इस तरह अगर मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर दो आईडीज़ आप यूज़ करते हैं जीमेल की या कुछ भी, तो उस पर आप दो फेसबुक अकाउंट भी बना सकते हैं। तो चलिए, आपका टाइम नहीं लेते और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर दो दो एप्लीकेशन चला सकते हैं, चाहे वो दो व्हाट्सएप हो या दो फेसबुक हो। तो चलिए, किस तरह से आपको करना है, आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सभी फ़ोन के अंदर सेम सेटिंग होगी, ठीक है। आप सेटिंग के अंदर चले जाइए और यहाँ पर आपको जाना है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का, बहुत सी जगह पर मैनेज एप्लीकेशन भी मिल सकता है, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुअल ऐप्स, ठीक है। डुअल ऐप्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, मैंने व्हाट्सएप को बना रखा है दो, तो इसलिए यहाँ पर ओके है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन नीचे आपको दिख रही होगी, ये जितनी भी एप्लीकेशन है इनको आप दो बना सकते हैं, यानी कि कॉपी बना सकते हैं एक एप्लीकेशन की दो एप्लीकेशन। देखिए कितनी सारी एप्लीकेशन है, यूट्यूब स्टूडियो, वर्ड, टिकटॉक वगैरह बहुत सारी, पावर डायरेक्टर, पेटीएम, फेसबुक लाइट। तो देखिए, मैं यहाँ पर फेसबुक को बनाता हूँ डबल, ठीक है। मैं यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक लाइट ही यूज़ करता हूँ इसलिए यहाँ पर फेसबुक लाइट शो हो रहा है। अब चलिए, हम यहाँ पर बैक कर देते हैं, बैक करके देखते हैं कि क्या हमारे होम स्क्रीन पर दो फेसबुक आए हैं या नहीं। तो देखिए, एक तो ये रहा फेसबुक और दूसरा देखिए यहाँ पर भी फेसबुक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप इसके अंदर किस आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन जिनको डबल यूज़ कर सकते हैं, दो दो आईडी यूज़ कर सकते हैं, दो दो मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं या नए नए अकाउंट बना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।